स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। नगर निगम के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। आज 21वीं सदी के अंदर जब भारत देश पूरी दुनिया से कम्पीट करने की एक इच्छा रखता है और कोशिश कर रहा है, नगर निगम के स्कूलों के अंदर आज भी बच्चे नीचे दरी के ऊपर, फर्श के ऊपर, टाट के ऊपर बैठ के पढ़ाए जाते हैं। जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। स्विमिंग पूल्स बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट्स बनाई जा रही हैं, स्पोर्ट्स का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। और नगर निगम के स्कूलों के अंदर पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि 5वीं क्लास पास करके बच्चा 74%, कोई स्टडी है जो कहती है 74% बच्चे जो नगर निगम के स्कूलों से 5वीं पास करके बाहर निकलते हैं वो हिंदी की सिंपल लाइन नहीं पढ़ पाते। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे जो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के 93% नतीजे और दिल्ली सरकार के 96% नतीजे आए हैं। ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ इनके ढलाव नज़र आते हैं, जो कि पूरे दिल्ली के लिए, देश के लिए, देश की राजधानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ ढलाव। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया। इट इज़ नोन एज गार्बेज कैपिटल ऑफ इंडिया। शर्म आती है। जो इनका अपना स्वच्छ भारत है, 49 देश के सबसे बड़े जो शहर हैं उसमें बॉटम 10 के अंदर दिल्ली का नगर निगम आता है। जो प्रधानमंत्री जी का अपना कार्यक्रम था स्वच्छ भारत का, उसको भी ठीक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर निगम में लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली को है वो जो गाजीपुर का जो पहाड़ है कूड़े का, वो अब ताजमहल की हाइट से भी ऊंचा होने वाला है। बहुत जल्दी उसकी हाइट जो है वो ताजमहल से भी ऊंची हो जाएगी, 240 फुट से ऊंचा हो जाएगा। ताजमहल की हाइट 240 फुट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक चिंता जताई है कि इतना ऊंचा हो जाएगा कि हवाई जहाज को कहीं उससे टकरा ना जाए, इसलिए उसके ऊपर अब रेड लाइट लगानी पड़ेगी उस कूड़े के पहाड़ के ऊपर, इतना ऊंचा हो जाएगा। केवल दिल्ली का 40% कूड़ा जो है वो प्रोसेस होता है, बाकी सारा का सारा कूड़ा जो है वो लैंडफिल साइट्स पे जाता है। 80-90% जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं नगर निगम के, उनमें ना बिजली है ना पानी है, उनमें ना चौकीदार है ना मेंटेनेंस करने वाले हैं, उनमें से कई सारे बंद पड़े हुए हैं। जबकि पिछले 5 साल में हमारी सरकार के दौरान दुसिब ने, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो दिल्ली सरकार के तहत आता है, हमने 20,000 नए पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। आप चल के देखिए, ये तस्वीरें हैं हमारे टॉयलेट्स की और ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के मॉडल की। हमारे वाले जो मेंटेन्ड हैं आप उनमें जाके देखिए, इतने साफ सुथरे और इतना अच्छे मिलेंगे आपको। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली का बच्चा बच्चा कहता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। और दिल्ली का बच्चा बच्चा क्या, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जब विजय गोयल जी से कुछ दिन पहले पूछा गया तो विजय गोयल ने कहा, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूँगा चोर है। यही लिखा हुआ है, उन्होंने खुद बोला है विजय गोयल जी ने, मुझे कोई इंकार नहीं है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूँगा चोर है, मुझे कोई इंकार नहीं है। तो भाई साहब, 15 साल राज करने के बाद आपको इसमें गर्व की क्या बात है, इसमें मतलब कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? 15 साल से आपका राज है एमसीडी के अंदर और आप कह रहे हो मैं इंकार नहीं कर रहा, चोर है एमसीडी,
तो कुछ करो ना फिर, कौन करेगा आके? दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार वोट देके आपको जिताया, फिर क्यों नहीं कर रहे? एक डेटा ये है कि शायद नॉर्थ एमसीडी में 230 टोटल इंजीनियर हैं, जिसमें से केवल 17 ऐसे हैं जिन पे चार्जशीट नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट है। एमसीडी का अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट दिखाता है कि साउथ एमसीडी पे 1,177 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग एरियर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, 1,177 रुपए करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर है। एरियर क्यों है, उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही। नॉर्थ एमसीडी के चीफ ऑडिटर ने 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले निकाले हैं, हम नहीं कह रहे, उनका अपना चीफ ऑडिटर नॉर्थ एमसीडी का कहता है 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले हैं। और आप पूरी दिल्ली के अंदर जहां देख लीजिए, इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं एडवर्टाइजिंग के, इलीगल टावर लगे हुए हैं टेलीफोन के, इसका कोई अंत नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। शायद एमसीडी देश का उन चुनिंदा नगर निगमों में से है जो अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं दे पाता टाइम पे, कई कई महीनों तक स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये इसके बावजूद कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को हमारे आने के पहले 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार थी जब राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान नगर निगम को जितने फंड दिए गए उससे कहीं ज्यादा फंड हम लोगों ने उनको दिए हैं। इतने फंड लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का ये हाल है। और जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार आज देश का बच्चा बच्चा कहता है कि सबसे ईमानदार सरकार है। हमने डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू की, जहां लोगों को पहले लाइनों में लग के दलालों के चक्कर काट के रिश्वत दे के अपने काम कराने पड़ते थे, आज घर बैठे फोन कॉल के ऊपर बिना रिश्वत दिए आपका काम होता है। हम आम आदमी पार्टी की सरकार हर सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे बचा रही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हर फ्लाईओवर जो बनता है, जैसे वजीरपुर वाला फ्लाईओवर 325 करोड़ का बना था, हमने 225 करोड़ में बना दिया। इसी तरह 100 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में बचा लिए। इसी तरह से हर काम के अंदर हम पैसे बचा रहे हैं, हर काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, सीएजी ने दिल्ली सरकार का ऑडिट करने के बाद कहा है कि दिल्ली सरकार पूरे देश की अकेली सरकार है जो नफे में चल रही है, और दिल्ली सरकार पिछले 5 साल से नफे में चल रही है, और हमारे से पहले दिल्ली सरकार हमेशा घाटे में चलती थी। तो एक तरफ एमसीडी है जो इतनी भ्रष्टाचारी है, और एक तरफ दिल्ली सरकार।